और अब जाने से पहले इन दोनों को, ये ब्लू फॉन्टेड अमेजन का ब्रीडिंग पेयर को, इन लोगों का ब्रीडिंग केज में मतलब जहाँ सेटअप किया है ब्रीडिंग के लिए, नेक्स्ट बॉक्स भी लगा दिया, वहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ से पकड़ के ले जाके वहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे। और बहुत दिन से सोच रहा था कि इन लोगों को शिफ्ट करेंगे क्योंकि ब्रीडिंग सीजन भी आ गया है और ये लोग पूरा के पूरा एडल्ट हो चुका है, चांस तो लेना बनता है, वहाँ ले जाके छोड़ेंगे उसके बाद जाएंगे। अभी पकड़ना है और वहाँ ले जाके छोड़ना है। ले लिया है इन दोनों को, और ये जो ब्लू फॉन्टेड अमेजन है ये तो मेल है और ये फीमेल है, और दोनों का साइज भी बहुत अच्छा है और इतना फिट है क्या बताऊँ, छोड़ने के बाद ही पता चलेगा कोई बार कितना फिट है। बड़ा केज में छोड़ने के बाद वो समझ में आता है, ब्रीडिंग केज में छोड़ने के बाद कितना जल्दी ब्रीड करता है वही देखना है, जितना फिट है उतना जल्दी अगर ब्रीड करेगा तो और भी अच्छा लगेगा। राजू यहाँ क्या कर रही हो? इसको सुबह से मिट्टी खिला रही हो? ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़ दो, मिट्टी देना सही रहता है क्योंकि मिट्टी बर्ड्स के लिए बहुत एसेंशियल होता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स उन लोगों को मिल जाता है, तो हम लोगों को जो करना है बर्ड्स को, पैरेट्स को मिट्टी दे के रखना सही रहता है। ऐसे डबल गेट होना चाहिए, मतलब वहाँ अंदर एक गेट और बाहर एक गेट, नहीं तो एक ही गेट रहेगा और मतलब निकलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इससे पहले जब मतलब ये डबल गेट का एवियरी नहीं था तभी बहुत सारा बर्ड कभी कभी चला गया। हाँ मिल तो गया सब, लेकिन बहुत बहुत दिक्कतें उठाना पड़ा था। अभी जल्दी से इन लोगों को छोड़ देना है, और उस पार में जो ब्रीडिंग केज है अफ्रीकन ग्रे का, वो लोग तो पैरट दीपंकर एक्जोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म का सबसे पुराना अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग पेयर है, और हमेशा उन लोगों का केज का अंदर मतलब चिक्स को निकल लिया और 2-2.5 महीने का अंदर फिर से नया चिक, नया अंडा, कुछ ना कुछ रिजल्ट। देखा फ्लाइंग, देखिए जैसे बोला था ना कि एकदम 100% फिट है और एडल्ट भी हो गया है, और पीछे हम लोगों का नेस्ट बॉक्स भी लगा हुआ है, तो देखना है कि कितना जल्दी उसका अंदर जाता है और कैसे क्या रिजल्ट करता है। और वीडियोस में तो आप लोगों का अपडेट मिलता ही रहेगा, मतलब ये बात तो हमेशा कहता रहता हूँ कि वीडियोस में आप लोगों का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, हो गया यहाँ का जो करना था, अभी वहाँ जाना है और हम लोगों का नया फार्म का काम कितना आगे बढ़ा वो देखना है। और यहाँ हम लोगों का फिंचेस का खूबसूरत सा कॉलोनी, हाँ कुछ ब्रीडिंग आया है, देखे है, अंडा लेके आया है, छोटा छोटा बेबीज भी आए हैं। इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहाँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस, मतलब अफ्रीकन ग्रे, सनकॉर्नी और फिंचेस का सबका ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ चंद्रा भी रेडी, ले लिया बैग, और यहाँ आज ड्रोन भी ले लेंगे ताकि अच्छा कुछ फुटेज मिला तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत भारी है यार। देखो कितना सारा लगेज, 1, 2, 3 पीछे 1, 4 उसका पीछे भी है, मतलब 5। तो यहाँ से गैरेज तक बाइक और वहाँ से कार। यहाँ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रुकना होगा क्योंकि यहाँ शादी का मैटर है। चलो हाथ देरी करो नहीं, हाथ देरी को बड़े एकदम। यहाँ मतलब ये देख के ना बचपन का बहुत याद आ रहा है, स्कूल स्पोर्ट्स, हाँ कितना सारा मतलब हर एक खेल में पार्टिसिपेट करते थे और फर्स्ट सेकंड तो कुछ ना कुछ ले लेते थे। पुराना वो दिन बहुत याद आया। खोल दिया अंकल जी, इसको भी खोलिए। और आज मेरा अंकल जी का बेटी मतलब मेरा बहन का शादी थी, मतलब कल रात तो शादी हो गई थी, आज विदाई का जो होता है, और विदाई के टाइम जो इमोशनल मतलब रहता है वो तो यहाँ छू जाता है। बेटियों का सही घर में सही जगह में शादी कराना मतलब ये बहुत बड़ा एक काम होता है, वो काम भी आज हो गया है पूरा। सभी आशीर्वाद कीजिएगा कि उसका जीवन एकदम हरा भरा सुखी सुखी पूरा जीवन बिता पाए हंसते हंसते। नेशनल हाईवे में आगे है और अभी पक्का 20 मिनट ऐसे ड्राइव करना है और उसके बाद हम लोग नया फार्म पे पहुंच जाएंगे। गेट लगाओ,
हाँ, तो फाइनली पहुंच गया है और काम जैसे होता है वैसे ही चल रहा है। पीछे से तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी जो टाइपिंग पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और सामने और थोड़ा सा बाकी है और ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद तो दीवार। और थक के बैठ गई चंदा। और आज हम लोगों का टाइपिंग का जो काम है, मतलब ये जो ढलाई है इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और पहले तो उस साइड दीवार ऑलरेडी बन चुका है और बाकी का ये काम आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से सिर्फ दीवार उठेगा, मतलब यहाँ से जो होगा यहाँ से कम 7-7.5 फीट का, क्योंकि हम लोगों का जो प्लान है मतलब ये जो दीवार बनेगा यही तो हम लोगों का बार्ड फार्म का मतलब जो ब्रीडिंग सेटअप होगा उसका पीछे का दीवार होगा। तो इसी के लिए थोड़ा सा हाइट ज़्यादा, जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि बर्ड को जितना हाइट मिलेगा उतना वो कंफर्ट फील करता है। मन अच्छा रहेगा तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, ब्रीडिंग सक्सेस भी बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब कभी कभी हम दोनों डर जाते हैं कि कहाँ तक होगा, क्या होगा, हो पाएगा कि नहीं, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट और सपोर्ट वाला का दुआ की वजह से धीरे 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 तो आगे बढ़ते ही जा रहा है। पता नहीं कहाँ तक कर पाएंगे, कंटिन्यू एकदम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे या रुक रुक के करना पड़ेगा या कितना टाइम लगेगा, फिर भी जब तक हो पा रहा है, जब तक मतलब सब कुछ ठीक ठाक है चलता जाएगा, उसके बाद जब देखेंगे कि नहीं और फिनेंशियली मतलब पूरा के पूरा थोड़ा सा रुक भी सकते हैं। और सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, आप लोग तो पैरट दीपों को चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू सुंदरबन का हजारों लाखों हेल्पलेस लोगों को सहायता किया है और इस फार्म के लिए, सारे बर्ड्स के लिए, सारे पेट्स के लिए फिलहाल अभी हम लोगों को डोनेशन का जरूरत है। और आप में से अगर कोई चाहे कि सारे पक्षी सारे पेट्स के लिए थोड़ा सा डोनेशन डोनेट करने के लिए, तो नीचे दिया हुआ इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू। अभी जो करना है यहाँ बैठेंगे, आराम से बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा ड्रोन फुटेज लेने के लिए। ये तो बहुत हाइट है। सावधानी से चलो, बैठ गया, इसको पकड़ो। इससे पहले तो बहुत सारा फुटेज आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज एकदम कोशिश करूँगा कि पूरा पूरा कितना जगह है, कैसे काम चल रहा है, पूरा दिखाने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से शुरू होता है। पीछे ऐसे थोड़ा सा जगह हम लोगों ने छोड़ के रखे हैं। तो आया आया यहाँ से, ये जो जगह है ये ऐसे ज़मीनी रहेगा,
क्योंकि अगर चाहेंगे तो यहाँ कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, खेती वगैरह। इसी के लिए थोड़ा सा ज़मीन छोड़ दिया गया है। तो अभी जो है हम लोग जो तालाब बनाएंगे, यही तालाब है यहाँ से। ये जो तालाब उतना छोटा भी नहीं है, उतना बड़ा भी नहीं है। बहुत तेज़ हवा है, इसी के लिए ड्रोन कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ जो खुदाई चल रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग होता है हम लोग का तालाब। और ये तालाब थोड़ा बहुत तो बड़ा ही खोद रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुछ प्लानिंग है कि मतलब यहाँ तालाब खुदाई हो जाने के बाद जब पानी भर जाएगा, इसका चारों तरफ तो अच्छे से मतलब कोशिश करेंगे कंक्रीट करने के लिए। देखते हैं आगे क्या प्लान बनते हैं, उसी हिसाब से होगा। और यहाँ जब पानी भर्ती हो जाएगा, उसके बाद छोटा छोटा कुछ नाव बोट वगैरह रख देंगे, ताकि आप लोग जब विज़िट करने के लिए आएंगे तो यहाँ फिशिंग का और बोटिंग का थोड़ा सा मज़ा ले पाए। और यहाँ तो ऐसे ढलाई का काम चल रहा है। और यहाँ से अगर हम लोग और भी आगे जाते हैं, थोड़ा सा हाइट कर लेते हैं, हाँ यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ से अगर लेफ्ट लेते हैं, हाँ यहाँ से लेफ्ट लेते हैं और फिर से अगर सीधा जाते हैं तो ये रहा हम लोगों का ऐसे फ्रंट। रुको, हाँ ये आ गया है। हम लोग एकदम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर। नहीं, सिग्नल हो रहा है। हाँ ये जो है, ये तो पिच का रास्ता है। और यहाँ से मतलब ये हम लोग का एंट्रेंस है इस साइड में, यहाँ इस साइड से यहाँ। और इसका जो चौड़ाई है अबाउट 60 फीट, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ तो दीवार है। और यहाँ से अगर हम लोग आगे जाते हैं, चलो थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा साइड में आओ, चलो ये रास्ता है। यहाँ से अगर ऐसे करके हम लोग आया तो यहाँ से शुरू होता है। थोड़ा सा हाइट करना होगा, और एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। वो जो हम लोगों का फ्रंट है, फ्रंट से यहाँ तक का चौड़ाई 60 to 65 feet का है, ठीक है ना। और यहाँ आने के बाद यहाँ से चौड़ा हो जाता है, यहाँ से बहुत चौड़ा हो जाता है। और वहाँ तो अभी मतलब अभी हम लोगों का फार्म जहाँ है, वहाँ तो बहुत दिक्कत होता है ऐसे बर्ड ब्रीडिंग का। अगर कोई नया बर्ड आया, ब्रीडिंग मूड में है, और बड़े बर्ड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वहाँ स्पेस नहीं है कि मतलब उन लोगों का हिसाब से। एक्चुअली बर्ड का फील थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आता है, इतना दिनों का जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा तो मैं भी फील कर सकता हूँ कि वो लोग कहाँ कैसे क्या कंफर्ट फील करेगा, लेकिन हो नहीं पाता है। तो इसी के लिए यहाँ स्पेस का हम लोगों का कोई कमी नहीं रहेगा। हम लोग जैसे चाहे वैसे 200-500 हज़ार जितना चाहे हम लोग ब्रीडिंग केज बना सकते हैं, और उन लोगों के लिए एकदम नेचर का अंदर बहुत खूबसूरत एवियरी भी बना सकते हैं। और बाकी आप लोगों का राय के लिए इंतज़ार है कि ये जो फार्म बन रहा है हम लोगों का, ये आप सभी को कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है ना। चलिए और एक बार घुमा के दिखाते हैं कि क्या है। और तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप हम लोगों का चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर होगा, आप वहाँ भी दबा दीजिएगा,
ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलो अभी लैंडिंग टाइम। हाँ, और चंद्रा शुरू हो गई उसका रैबिट के लिए खाना। हाँ एकदम फ्रेश ताजा है ना। हाँ एकदम दुर्बा घास। ठीक है चलो, यहाँ जब चले आएंगे ना तभी उन लोगों को खाने का कोई कमी नहीं रहेगा। यहाँ ऐसे छोड़ के रख देंगे ना। हाँ, छोड़ के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। होगा, वो लोग आराम से एकदम घूम घूम के खाएगा। हाँ, और देखिए ये जो पेड़ पौधा है ना, प्लानिंग है एक भी पेड़ पौधा को हम हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा एक पेड़ तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है। कोशिश करेंगे कि एक भी पेड़ को हाथ नहीं लगाएंगे, लगाएंगे और भी बहुत लेकिन एक को भी नहीं काटेंगे। बाउंड्री वॉल कंप्लीट होने के बाद हम लोग का प्लान है प्लांटेशन। हाँ हाँ, प्लांटेशन एकदम सही कहा। देखो कितना सारा घास, वहाँ तो माता कूदने से मिलता भी नहीं है। वो रैबिट सारे घास बहुत शौक से खाएगा, बहुत आनंद मिलेगा उन लोगों को। और ये देखिए यहाँ जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली मैंने नोटिस कर लिया, ये है होरियल, बंगाली में हम लोग होरियल कहते हैं। और कहाँ गया हम लोग का अमरूद का पेड़ में आके ही बैठा है।